सनी देओल से डर गए खेसारी, नहीं रिलीज होगी संघर्ष 2। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, सनी देओल से आखिर खेसारी लाल यादव क्यों डर जाएंगे और संघर्ष 2 आखिर क्यों रिलीज नहीं होगी। तो आपको बताते चलें कि अगस्त की डेट दी गई थी फिल्म संघर्ष 2 की, कि उस दिन भाई साहब ये फिल्म रिलीज होगी। वर्ल्ड वाइड कंपनी ने इस फिल्म को बनाया है, करोड़ों रुपए की लागत लग चुकी है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव ने भी अभिनय किया है। विशाल विनीत इस फिल्म में इंटरनेशनल डॉन बने फिर रहे हैं। और भी कई सारे कलाकार हैं जो कि इस फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये फिल्म जब रिलीज होगी तो खेसारी लाल यादव साउथ के स्टाइल में एक बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे और हम लोग भी बहुत बड़े बड़े यानी कि बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे, जितने बड़े स्टार शायद ही भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई हो। तो आपको बताते चलें कि कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो पहली बार इस फिल्म में काम किए हैं, उनको भी उम्मीद है कि संघर्ष 2 जब आएगी तो हम भी स्टार बन जाएंगे। लेकिन उन लोगों को क्या कुछ पता था कि फिल्म निर्माता और इनकी रिलीजिंग जो टीम है वो इस फिल्म को अगस्त में रिलीज करेगी ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों कहा कि सनी देओल से डर गए खेसारी। भाई साहब, हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि गदर 2 फिल्म के आगे कोई फिल्म इस बार चलने वाली नहीं है, यहाँ तक कि ओ माई गॉड भी उस तरह से कमाई नहीं कर पाई जितनी की उम्मीद थी। गदर 2 जहाँ 350 से ज़्यादा करोड़ रुपए कमा चुकी है, वहीं ओ माई गॉड 100 करोड़ के आसपास सिमट गई है। भाई साहब जानते हैं क्यों? क्योंकि गदर 2 के सामने भाई कोई फिल्म अपना क्रेज बना ही नहीं पाएगी। इनको पहले से पता था कि अगस्त में गदर 2 रिलीज होने वाली है, फिर इन्होंने 21 अगस्त का डेट दे दिया कि हम संघर्ष 2 रिलीज कर देंगे और संघर्ष 2 रिलीज करके सनी देओल की फिल्म गदर 2 को हम लोग टक्कर दे देंगे, क्योंकि हमारे पास भोजपुरी का सनी देओल यानी कि खेसारी लाल यादव है। अब भाई साहब, खेसारी जी तो एक बार बोल भी दिए थे कि मेरी जो कंपटीशन है सीधे साउथ वालों से है। शायद निर्माता को भी इसलिए लगा होगा कि हमारे पास तो भोजपुरी का सनी देओल खेसारी लाल यादव ही है, तो हमारी फिल्म तो चलनी ही चलनी है। लेकिन भाई साहब, ये लोग अपनी औकात समझ गए और इन्हें पता चल गया कि फिल्म जब रिलीज कर दी जाएगी तो अभी गदर 2 का माहौल है। समझ सकते हैं कि फिल्म देखने कोई जाएगा तो जाएगा क्यों। फिल्म के निर्माता समझ गए कि जब ये फिल्म गदर 2 के माहौल में रिलीज कर देंगे तो भाई साहब सिनेमा हॉल में कोई नहीं दिखने वाला है, क्योंकि गदर 2 के सामने हो सकता है कि बाकी सिनेमा हॉल इस फिल्म को लेने से भी मना कर दिए हों। चर्चा ये भी है कि खेसारी लाल की फिल्म संघर्ष 2 का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। जानते हैं खरीदार क्यों नहीं मिल रहा होगा अगर ये बात सच है तो? क्योंकि फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा में बनी है, और फिल्म कोई खरीद रहा होगा तो कम पैसा दे रहा होगा, इसलिए फिल्म बिक नहीं रही होगी। अब खेसारी लाल यादव तो इस फिल्म को लेकर के बैंकॉक भी चले गए थे, विदेश में भी शूटिंग हुई, तो भाई बजट बढ़ना तो तय है। डायरेक्टर पराग पाटिल हैं जिन्होंने संघर्ष 1 बनाई थी, और इसमें मेगाश्री हैं और भी कई सारे कलाकार जो फिल्म में पहली बार भी कर रहे हैं, कुछ लोग पुराने कलाकार हैं वो भी काम किए हैं। अब एक नई अपडेट ये है कि फिल्म अक्टूबर में यानी कि दशहरा के समय, दुर्गा पूजा के समय रिलीज की जाएगी। हो सकता है कि उस समय इनको लग रहा हो कि फील्ड खाली रहेगा और हम लोग बाजी मार लेंगे। तो सीधे सीधे बात है कि फिल्म की रिलीजिंग डेट अगर कैंसिल हुई है तो गदर 2 की वजह से, यानी कि सनी देओल से। तो डर गए ना भोजपुरी के संघर्ष 2 फिल्म के निर्माता, निर्देशक, पूरी टीम सनी देओल से। ये रिलीज नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं समझदारी ही किए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर इस माहौल में संघर्ष 2 को रिलीज कर देते तो जो अक्टूबर में इनकम होने वाली है अगर फिल्म लगी तो, वो भी इस बार नहीं हो पाती। तो चलिए, अगर इज्जत बच जाए तो ठीक है, कहीं फिल्म ने इस बार निर्माता को डुबो दिया तो हो सकता है कि इतना बड़ा बजट का फिल्म कोई खेसारी लाल को लेकर के आगे नहीं करेगा। अब देखना यह है कि खेसारी की फिल्म जब रिलीज होती है यानी कि संघर्ष 2 जब रिलीज होती है तो क्या कुछ कमाल कर पाती है। फिलहाल इंतजार ही है, अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और। फिलहाल संघर्ष 2 की रिलीजिंग डेट कैंसिल हो चुकी है।